आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे दो शादी करने पर घर भी मिलता है और भत्ता भी मिलती है। देखिए, दुनिया में हर देश का अपना कानून है जिनको फॉलो करना देश के नागरिकों का कर्तव्य है। कुछ देश में दो शादियाँ करना गैरकानूनी है तो कई देशों में दो शादियाँ मान्य हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा देश भी है जहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये देश और कोई नहीं है बल्कि संयुक्त अरब अमीरात UAE है। वहाँ की सरकार लोगों को एक से ज़्यादा शादियाँ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए वहाँ की सरकार दो बीवी रखने वाले लोगों को अतिरिक्त मकान भत्ता देने की घोषणा कर चुकी है। खबरों की माने तो इस देश में अविवाहित लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी से निपटने के लिए सरकार लोगों को दूसरी शादी करने को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए ऐसी स्कीम निकाली गई है। UAE की जो मंत्रालय है उन्हें फैसला किया है कि दो बीवी रखने वाले लोगों को शेख जायद हाउसिंग कार्यक्रम के तहत मकान भत्ता दिया जाएगा। हालांकि ये मकान भत्ता दूसरी बीवी के लिए होगा या एक पत्नी वाले परिवार को पहले से मिल रहे मकान भत्ते के अतिरिक्त होगा। उनका कहना है कि दूसरी बीवी के लिए भी उसी तरह के रहन सहन की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि पहली बीवी के लिए है। मकान भत्ता देने से लोग दूसरी शादी करने को प्रोत्साहित होंगे और देश में अविवाहित महिलाओं की संख्या घटेगी। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।